$5 trillion इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 trillion इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने हमेशा ऊंचे निशान रखने चाहिए, और हमने रखा है, लेकिन वो हवा में नहीं है। आजादी के 70 साल बाद हम $2 trillion इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 trillion इकोनॉमी में पहुंचाया था, लेकिन 2014 से 2019 पांच साल के भीतर भीतर हम लोग $2 trillion से $3 trillion पहुंच गए। $1 trillion हमने जोड़ दिया। अगर पांच साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले पांच साल में हम $5 trillion इकोनॉमी बन सकते हैं, और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है, छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं, और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। जब हम सपना देखते हैं कि देश के किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार गरीब से गरीब भी उसका पक्का घर होना चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जब करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल करे तब हिंदुस्तान के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो, ये सारे जब सपने देखते हैं, हमारे समुद्री संपत्ति ब्लू इकोनॉमी इस क्षेत्र को हम बल दें, हमारे मछुआरे भाइयों बहनों को हम ताकत दें, हमारा किसान अन्नदाता है, ऊर्जादाता बने, हमारा किसान ये भी एक्सपोर्टर क्यों न बने, दुनिया के हमारे अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का डंका क्यों न बजे, इन सपनों को लेकर के हम चलना चाहते हैं। हमारे देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना ही होगा। हम सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान को बाजार बना करके देखें, हम भी दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है, छोटे छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने इस सामर्थ्य को समझना है, इस सामर्थ्य को हमने चैनलाइज करना है, और हमारे हर जिले एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचे। हर जिले का अपना हैंडीक्राफ्ट है, हर जिले के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं। अगर किसी जिले के पास इत्र की पहचान है तो किसी जिले के पास साड़ियों की पहचान है, किसी जिले के पास अगर बर्तन मशहूर है उसके तो किसी जिले में मिठाई मशहूर है। हर एक के पास विविधता है, सामर्थ्य है। हमने ग्लोबल मार्केट के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट से उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, और इस विविधता को दुनिया को परिचित कराते हुए हम अगर उसको एक्सपोर्ट में बल देंगे, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की दिशा में हम काम करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो लेवल के इंडस्ट्रीज को इसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, और उस ताकत को हमने बढ़ाना है। हमारा देश टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए दुनिया के लिए अजूबा हो सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण से जितनी तेजी से हमने वो करना चाहिए हम नहीं कर पाए हैं। आइए हम सभी देशवासी तय करें कि हमें
देश के टूरिज्म को बल देना है। क्या हम उस काम के लिए, टूरिज्म बढ़ता है कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार मिलता है, देश की इकोनॉमी को बल मिलता है और दुनिया भर के लोग आज भारत को नए सिरे से देखने के लिए तैयार है। हम सोचें कि दुनिया हमारे देश कैसे आए, हमारे टूरिज्म के क्षेत्र को कैसे बल मिले और इसके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की व्यवस्था हो, सामान्य मानवी की आबादी बढ़ाने की बात हो, बेहतर शिक्षा, नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो, मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर सपनों को साकार करने के लिए ऊंची उड़ान के लिए सारे लॉन्चिंग पैड उनको लिए अवेलेबल होने चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों को बेहतर संसाधनों के लिए पूरी सुविधा हो, हमारी सेना के पास बेहतर सरंजाम हो, वो भी देश में बिना बना हुआ हो। तो मैं मानता हूं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भारत को एक नई शक्ति दे सकते हैं।